ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान देना, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज भाग 16 के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान देना, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा उनके सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण जो सर्वप्रथम विद्रोह किया वो था वैल्लोह का विद्रोह। ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं 1857 क्रांति की भूमिका कहां से बनी, क्या कारण रहे उनकी, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत से आपको समझ में आ पाएगा कि 1857 की क्रांति जब हुई तो उससे पहले उसकी क्या क्या भूमिकाएं तैयार की गई, उनका संकलन हमने यहाँ पे किया है। तो आपको यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि वैल्लोह का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के प्रति रीति रिवाजों में जो हस्तक्षेप किए गए उनका पहला विरोध था और यह 1806 ईस्वी में किया गया। 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र पार बर्मा में सेवा देने से मना किया, वो रेजिमेंट थी, ध्यान देना, 47वीं। और यह जो काम किया गया वह बैरकपुर विद्रोह था और यह 1824 ईस्वी में किया गया। ये कुछ इतिहास की महीन बातें हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य और जो महत्वपूर्ण कारण बतलाया, ध्यान देना, इस परीक्षा में भी इसको पूछा जा चुका है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण कारण माना है, मुख्य कारण, वो है चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह। इन दोनों को मुख्य कारण माना है। अब बात करते हैं 1857 क्रांति के हीरो की, मंगल पांडे। इन्होंने अंग्रेज अफसर को जब गोली मारी तो वह तिथि थी 29 मार्च 1857। क्रांति के समय तात्कालिक भारतीय गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तात्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे लॉर्ड पार्मिस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे लॉर्ड पार्मिस्टन। क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारणों की यदि हम बात करें तो पहला जो कारण था वह था सहायक संधि प्रणाली। ध्यान देना, उससे पहले हमने पढ़ा था साम्राज्यवादियों के कारण, यह है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें तो पहली थी सहायक संधि प्रणाली जो कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई। दूसरी थी व्यापक नीति थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। इन दोनों नीतियों को रट लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकता है, व्यापक नीति और सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के प्रणेता लॉर्ड वेलेजली थे। सहायक संधि के तहत उस रियासत में सुरक्षा और सहायता हेतु जो फौजें थी वो अंग्रेजों द्वारा भेजी जाती थी, लेकिन उन फौज का खर्चा वहन करती थी वह रियासत जहां वह फौज भेजी जाती थी। रियासत का शासक सीधे संबंध किसी भी अन्य विदेशी शासक से नहीं कर सकता था। सहायक संधि जिस राज्य की रियासत ने कर ली, अब वह रियासत किसी भी अन्य रियासत के साथ में सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इसके लिए शर्त थी कि कंपनी उसकी मीडिएटर बने, उसकी मध्यस्थता करे। सर्वप्रथम सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने और यह की थी 1798 ईस्वी में। व्यापगत सिद्धांत की बात करें तो यह लॉर्ड डलहौजी की देन है। राज्य हड़प नीति के तहत भारतीय राज्यों का इन्होंने 3 श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया। भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए 3 इन्होंने कैटेगरियां बनाई और जो पहली कैटेगरी थी वह थी जैविक संतान रहित राजा का राज। ऐसा राजा जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं है उस राज्य को भी कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा।
दूसरी की बात करें तो दूसरी थी विधवा रानी को पुत्र गोद लेकर उसे राज्य सौंपने का अधिकार भी नहीं होगा, उस राज्य को भी अंग्रेज रियासतों में मिला लिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी राज्य में प्रबंधन फेल हो चुका है तो कुप्रबंध के आधार पर उसे भी कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा। ये थी व्यपगत नीति हड़प का सिद्धांत डलहौजी का। हड़प नीति की यदि अब बात करें, ये थोड़ा टिकल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है भाई, इससे अभी ध्यान देना। हड़प नीति के तहत सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में जो राज्य मिलाया गया वह था सतारा 1848 में, सतारा को सबसे पहले मिलाया गया। अब यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए याद करने के लिए। इसके बाद 1849 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बाघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में इसके बाद नागपुर को कंपनी के अधीन मिला लिया गया। यह क्रम अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसे समझना बहुत जरूरी। इससे एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जा सकता है। 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग इसके बाद में 56 में अवध को भी घोषित कर दिया गया। ध्यान देना, 1856 में अवध को भी इसका अंग घोषित कर दिया गया। और उस समय ध्यान देना, उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली, और नवाब हटाने का कारण था कुशासन, कुप्रबंधन। कुप्रबंधन के आधार पर नवाब को हटा दिया गया। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर इस अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र था न कि आश्रित राज्य। इसको भी थोड़ा महत्वपूर्ण समझना कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि करौली केवल और केवल प्रोटेक्टेड है, आश्रित नहीं है। इसी प्रकार अन्य रियासतों के संबंध में डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने निरस्त कर दिया, और वो थी उदयपुर और बाघाट, जो कि 1852 और बाघाट 1850 में हड़प नीति के तहत लिए गए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, जिनकी पेंशन डलहौजी ने यह कहकर बंद कर दी कि वह पेंशन बाजीराव की निजी थी, पेशवाओं की नहीं थी, और वो पेशवा थे नाना साहेब। ध्यान देना, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और उसका नाम क्या था? नाना साहेब। मुगल बादशाह, ध्यान देना, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी बना शहजादा। शहजादा, इनके संबंध में डलहौजी ने घोषणा की कि इन्हें लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहने होगा, और यह फरमान उन्होंने जारी किया 1849 में। मुगलों के संबंध में 1856 में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल केवल अब राजा होंगे, सम्राट नहीं होंगे। यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की। अब बात कर लेते हैं 1857 क्रांति के कुछ आर्थिक कारणों की। भाई राजनीतिक कारण चल रहे थे ये सभी, अब बात कर लेते हैं आर्थिक कारण क्या थे जिनके कारण ये क्रांति हुई। आर्थिक कारणों की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, ये वैसे भी अलग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कार्निवाल्स ने 1793 ईस्वी में लागू की, और यह जगह थी बंगाल। स्थायी बंदोबस्त की नीति थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके तहत जमींदारों द्वारा, ध्यान देना, इस स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी इसके तहत में जमींदारों द्वारा दिया जाने वाला भू राजस्व था वो बढ़ा करके 10/11 भाग निर्धारित कर दिया गया। जमींदारों के भूमि के स्वामित्व को पैतृक और हस्तांतरणीय बना दिया गया। ये थे कुछ आर्थिक कारण। अब बात कर लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों की। रंग भेदभाव,
किया गया अंग्रेजों द्वारा। ट्रेनों में अंग्रेजों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। उच्च पदों पर केवल और केवल अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए और ईसाई धर्म कम के द्वारा सर्वाधिक प्रचार किया गया। 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और ध्यान देना, इस समय जो राजा राम मोहन राय थे, इनका सर्वाधिक इसमें योगदान रहा। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे थोड़ा प्रश्न बन सकता है, सती प्रथा के निषिद्ध के समय राजा राम मोहन राय ने जब इसका निषेध किया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विधवा विवाह पुनर्वाह कानून जो कि 1856 के अंतर्गत लागू किया गया, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और ये प्रयास थे विधवा पुनर्विवाह को करने के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग। हिंदू उत्तराधिकारी कानून में परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले पुत्रों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का कानून बनाया गया। और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम यह था 1850। ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फहरा सके। यह कथन जिस अंग्रेज विचारक का था वो थे आरडी मैंगलस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था इनका। ये परीक्षा दृष्टिया भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और आरडी मैंगलस की बात करें तो आरडी मैंगलस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ थे। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अधिनियम की। किस अधिनियम द्वारा, ध्यान देना, किस अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? और वो था डाकघर अधिनियम। यह अधिनियम था डाकघर अधिनियम 1854। ध्यान देना, असंतोष के समय लॉर्ड कैनिंग की तात्कालिक घोषणा है कि यदि बात करें जब भारत में असंतोष पनपा तो लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा की उनमें पहली घोषणा थी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 और ब्राउन बैग्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 की यह शर्त थी कि सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य था। एनफील्ड राइफल में जो गाय के सुअर की चर्बी थी वो प्रयुक्त की जाती थी। तो ये दोनों लॉर्ड जो कैनिंग था उनकी जो घोषणा थी इसके कारण भी सैनिकों में असंतोष पनपा। 1857 क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही, ध्यान देना ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये सारे के सारे अवध रियासत से ही बिलोंग करते थे। चर्बी वाले जो कारतूस थे इनके विरुद्ध जो पहली घटना हुई, चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध जो पहली घटना हुई बगावत करने की कोशिश 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बुरहानपुर के सैनिकों ने की। और ये की 28 फरवरी 1857 को। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध लेकिन पहली घटना 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर कलकत्ता में 29 मार्च 1857 को हुई। और यह विद्रोही सिपाही था मंगल पांडे। पांडे ने उस समय विद्रोह के बाद लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन इन दो अधिकारियों की हत्या कर दी। पांडे की बात करें तो निवासी थे तात्कालीन गाजीपुर अर्थात वर्तमान में जो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश वहां के। इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोहियों ने इसके बाद में क्रांति का दिन निश्चित किया 31 मई 1857। और क्रांति के प्रतीक के रूप में, ये थोड़ा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रांति के प्रतीक रूप में उन्होंने चुना कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी, ध्यान देना इसको। अब बात करते हैं मेरठ छावनी के विद्रोह की। मेरठ छावनी में विद्रोह 10 मई 1857 को अर्थात निश्चित समय से पहले हो गया। यह इस क्रांति का एक कमजोर पक्ष था। क्रांतिकारियों ने दिल्ली में 12 मई 1857 को कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने अपने नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया और अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा लेकिन सितंबर 1857 में वापस कर लिया। अंग्रेज जनरल उस समय थे जॉन निकोलसन। बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया लेफ्टिनेंट हडसन ने। और झांसी में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 4 जून 1857 को।
यूरोप से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1857 को शहीद हो गई। ये थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण डेटा आ जाए जिनका संकलन हमने कर रखा है इनमें। भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये कथन किसका था? थोड़ा महत्वपूर्ण है, और ये कथन था ह्यूरोज का। ह्यूरोज ने ये कथन कहा था। अब बात करते हैं ग्वालियर में विद्रोह की। ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया 4 जून को। तात्या टोपे का मूल नाम की बात करें तो रामचंद्र पांडुरंग था। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के मराठा थे, बाद में ये कालपी यूपी में आके बस गए और ये नाना साहब के सेनापति थे। ग्वालियर में पतन के बाद टोपे राजस्थान आ गए और राजस्थान की क्रांति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ राजस्थान में ये उनके मित्र जो मान सिंह थे उनके विश्वासघात के कारण 1 अप्रैल 1859 में पकड़े गए और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजस्थान में 1857 क्रांति की चर्चा हम अलग से 1857 क्रांति इन राजस्थान में चर्चा करेंगे, वहां आपको इसकी विस्तृत अध्ययन देखने को मिलेगा। लखनऊ में विद्रोह की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ और इसकी नेता थी बेगम हजरत महल। इस समय वाजिद अली अवध का नेता था, ध्यान देना। अंग्रेज अधिकारी थे कैंपल। बेगम महल पराजित होकर के और फिर इसके बाद नेपाल में चली गई बेगम हजरत महल। बरेली में विद्रोह की बात करें तो जून 1857 प्रारंभ हुआ, इसके नेता थे खान बहादुर खान। अंग्रेज अधिकारी कैंपेबल अरविंद सेठ आयर थे। कानपुर में विद्रोह की बात करें तो यह 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ, इसके नेता थे नाना साहेब और तात्या टोपे। अंग्रेज अधिकारी उस समय थे कैंपबेल और हेवलॉक। नाना साहेब इस समय पराजित होकर के नेपाल चले गए। पंजाब में सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो ये नामधारी सिखों ने प्रारंभ किया और रेवाड़ी हरियाणा में क्रांति का प्रारंभ राव तुलाराम ने किया। जगदीशपुर आरा बिहार में यदि विद्रोह की बात करें तो यहाँ विद्रोह प्रारंभ किया कुंवर सिंह ने। यहाँ विद्रोह प्रारंभ किया कुंवर सिंह ने। अब बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद में यदि विद्रोह की बात करें तो फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया। बरेली में बख्त खान ने, बख्त खान को बहादुर शाह द्वितीय ने उपाधि प्रदान की खान बहादुर खान की। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया 20 सितंबर 1857 को और अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट हडसन। बहादुर शाह द्वितीय को जीनत महल के साथ में रंगून में निर्वासित कर दिया गया। यहाँ इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हो गई और इन्हें रंगून में ही फिर दफना दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र पौत्र जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी ये थे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पौत्र था मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अबू बकर। अब बात करते हैं सतारा की। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व रंगोजी बापूजी ने किया। 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, यह कथन किसका है? थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यह था सर जॉन सीले का कथन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा बेंजामिन डिजराइली ने, जो तात्कालिक ब्रिटिश पीएम थे। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष टीआर होम्स, ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा दृष्टा बहुत महत्वपूर्ण है, इनका संकलन अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से देखना ही। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वीडी सावरकर ने। कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम कहा रीज ने। राष्ट्रीय विप्लव कहा डॉक्टर ताराचंद ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा अशोक मेहता ने। इस प्रकार यह संग्राम पूर्णतया समाप्त हुआ जुलाई 1858 में। अब आगे के भाग में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसके विद्रोह के प्रभावों की, जो हम देखेंगे इससे अगले भाग में। आज के इस भाग में बस इतना ही। नमस्कार।